गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का विषय है जन संचार के माध्यम, जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से लिया गया है। तो आइए जानते हैं इसके अंतर्गत। आज हम सबसे पहले जन संचार की परिभाषा को जानते हैं, उसके बाद जन संचार की विशेषताएं, जन संचार के अंतर्गत और क्या क्या आ सकता है, दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम, उनके बारे में जानेंगे। तो जन संचार का अर्थ क्या है, ये परिभाषा पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसका अर्थ है जब हम किसी भावना या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाते हैं और यह प्रक्रिया सामूहिक रूप से होती है, तो यही जन संचार कहलाता है। जन संचार एक प्रकार से अप्रत्यक्ष संवाद है। ये अप्रत्यक्ष संवाद किसी यांत्रिक या तकनीकी माध्यम के द्वारा विशाल जनसमूह या वर्ग को संबोधित करने के लिए होता है, या सूचनाओं या विचारों को संप्रेषित करने के लिए होता है। तो आइए जानते हैं जनसंचार की विशेषताएं क्या हैं। जनसंचार किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए कार्य नहीं करता, इसके द्वारा शीघ्रता से संपर्क स्थापित होता है। तत्काल हम टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट के द्वारा हम एक ही समय में लाखों लाखों लोगों के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जनसंचार की प्रक्रिया और ढांचा स्पष्ट होते हैं। फीडबैक की प्रक्रिया बहुत ही इफेक्टिव होती है, प्रभावी होती है। जनसंचार ने भौगोलिक और समाज की सीमाओं को तोड़ दिया। एक प्रकार से जनसंचार ने ग्लोबल विलेज की परिकल्पना को साकार कर दिया है, वासुदेव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ कर दिया है। जाति या वर्ग या भौगोलिक समाज की सीमाओं को तोड़कर इसने पूरे संसार के लोगों को अपना बना लिया है। जनसंचार प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखता है। संसार की कोई भी गतिविधि हो उस पर नजर रखता है और उसकी सूचना जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है। आगे देखते हैं जनसंचार के कार्य क्या हैं। तो जनसंचार सूचना को संग्रहित करता है, प्रसारित करता है, संप्रेषित करता है, उसका विश्लेषण करता है, सामाजिक मूल्यों, ज्ञान व शिक्षा का संचरण करता है। जो भी हमारा अतीत है उस अतीत के ज्ञान को संरक्षित करता है, मूल्यों को संरक्षित करता है, और एक प्रकार से शिक्षा में भी, शैक्षिक क्षेत्रों में भी इस जनसंचार का प्रयोग हो रहा है तेजी के साथ। मनोरंजन में भी हम नाना प्रकार के वृत्तचित्र, फिल्म या गाने या जो भी अपने मनपसंद प्रोग्राम है वो हम टेलीविज़न के माध्यम से देख सकते हैं, पत्र पत्रिकाओं में भी पढ़ सकते हैं। जनसंचार निगरानी भी रखता है, नियंत्रण भी रखता है, सरकार के कामकाज पर निगरानी रखता है और लोगों को जागरूक और शिक्षित करने का भी काम करता है। एजेंडा निर्धारित करता है जनसंचार सरकार के लिए भी और जन समुदाय के लिए भी। अपनी सकारात्मक पहल द्वारा एक एजेंडा, उद्देश्य निर्धारित करता है, इसके आधार पर वो आगे बढ़ता है। क्योंकि जो जनसंचार होता है प्रकार से मीडिया का ही एक हिस्सा होता है, वो निष्पक्ष होकर काम हमेशा करता है। इसमें जनसंचार में विचार विमर्श एवं बहुमत का भी निर्धारण होता है। किसी भी विचार की अवहेलना नहीं होती है। लोग इकट्ठा होते हैं मंच पर और वो आपसी विचारों का आदान प्रदान करते हैं और सभी जो भी उससे संबंधित लोग होते हैं वो उन विचारों को सुन करके अपनी राय, टिप्पणी, प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आगे जनसंचार माध्यमों के प्रकार क्या हैं। तो पहला है परंपरागत माध्यम। ये इसकी शुरुआत तो सांकेतिक मानी गई है, लेकिन वर्तमान में जैसे चित्र हुआ, भित्ति चित्र हुआ, दीवारों में चित्रों द्वारा अलंकरण, मूर्तिकला हुआ, संगीत हुआ, काव्य नाटक हुए, लोक कथाएँ, लोक संदेश, ललित कलाएं, लोक नृत्य, कठपुतली, खेल तमाशा, नौटंकी, लावणी एक प्रकार का नृत्य होता है, कीर्तन, कव्वाली, ये सब प्रकार से परंपरागत जनसंचार के माध्यम माने गए हैं। इनको लोक माध्यम भी कहते हैं। आज वर्तमान में आधुनिक और जो विशिष्ट जनसंचार के माध्यम है वो डाक तार प्रणाली, डाक व्यवस्था हमारी तो आज भी सुव्यवस्थित रूप से कायम है, लेकिन तार प्रणाली अब इसकी देखने को नहीं मिलता है। प्रिंट या मुद्रण माध्यम में हम देखते हैं,
प्रिंट या मुद्रण माध्यम में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, हैंडबिल, पैम्पलेट वगैरह ये आते हैं। प्रिंट या मुद्रण जो भी जो 1450 ईस्वी में मुद्रण या प्रिंटिंग की को स्थापित करने का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। उसके बाद आता है 1780 में हिंदुस्तान में जेम्स अगस्तक हिक्की ने 1780 ईस्वी में बंगाल गजट नामक समाचार पत्र को छापा, उसको पहला समाचार पत्र माना जाता है। उसके बाद 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ला को समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जाता है। उन्होंने उदंत मार्तंड नामक पत्रिका का प्रकाशन कलकत्ता से किया। इस प्रकार से मुद्रण का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। 1450 ईस्वी में उन्होंने इसकी खोज की थी। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में हम देखते हैं श्रव्य माध्यम जो आप सुनते हैं रेडियो में, दृश्य माध्यम है रेडियो है, टेलीविजन है, दृश्य श्रव्य माध्यम है, ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत हम देखते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि जनसंचार माध्यमों के कार्य क्या हैं और महत्व क्या है। तो जनसंचार माध्यम सूचना और समाचारों का एकत्रीकरण करते हैं, विश्लेषण और प्रचार करते हैं, लोगों को मतों को प्रभावित करते हैं, ये सर्वसम्मति बनाने में भी सहायक होते हैं, मनोरंजन करते हैं, सांस्कृतिक विरासत को हस्तांतरित करते हैं, जैसे वृत्तचित्र, फिल्म, कार्टून, कविता, संगीत आदि के माध्यम से वस्तुओं उत्पादों के विक्रय विज्ञापन में भी सहायक होते हैं। विज्ञापन में टेलीविजन हो या रेडियो, समाचार हो, विज्ञापन देखने को मिलते हैं, शिक्षा की प्राप्ति और प्रसार में भी सहायक होते हैं, और तमाम इसके बहुआयामी उपयोग हैं। जैसे हम अपना समय बिताने के लिए या खाना बनाते समय, यात्रा करते समय हम पुस्तकें, समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, रेडियो देख सकते हैं, टीवी भी सुन सकते हैं, ये हमारे लिए प्रकार से जनसंचार के बहुआयामी उपयोग है। आगे हम देखते हैं जो श्रव्य माध्यम है हमारा रेडियो, इसकी क्या विशेषता है, इसका क्या महत्व है। तो ये दोनों के लिए, शिक्षित और अशिक्षित दोनों के लिए लाभदायी होता है। रेडियो कहीं भी सुना जा सकता है, सस्ता साधन है, ज्ञानवर्धक है, ग्रामीणों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इसकी कमियां सिर्फ यही है कि संक्षेप में समाचार इसमें सुने जा सकते हैं, रेडियो में देखने की सुविधा नहीं होती है, लोगों को प्रसारण का इंतजार करना पड़ता है। आगे हम देखते हैं दूसरा, दृश्य श्रव्य संचार टेलीविजन, इसमें हमें जानकारी मिलती है, सूचना मिलती है, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तीव्र गति से सूचनाओं को संचालित या संचरण करता है, ये किसी भी घटना का सीधा प्रसारण, लाइव प्रसारण देख सकते हैं, ये मनोरंजन और ज्ञान का सबसे सशक्त स्रोत माना गया है। टेलीविजन की कमियाँ बताई गई हैं कि ये ग्रामीण क्षेत्रों या जहाँ पे बिजली की सुविधा नहीं है वहाँ ये नहीं पहुँच सकता है। उसकी कमियों में ये भी है कि इसका बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, कभी कभी सामाजिक विद्रूपता प्रदान करता है, ये इसका अत्यधिक प्रयोग समय की भी बर्बादी करता है और सोचने, समझने, मनन करने की शक्ति को भी नष्ट करता है, और इसमें बिजली की अनिवार्यता मानी जाती है। ये सी कमियां बताई गई हैं। तो जनसंचार के अंतर्गत आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।